पुराने संबंध है और मैंने कहा कि वो हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं एनडीए के पार्ट के रूप में और मोदी जी की सरकार में 5 वर्षों तक मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री के सहयोगी के रूप में काम किया। लोग जिस समय मिलने गए थे उस समय क्या कुछ राजनीतिक चर्चा भी हुई एम्स में? अब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि कौन सी बातें हुई, अगर मिले हैं साथ साथ बैठे हैं तो कुछ बातें हुई होगी, लेकिन उसका कोई जो ऐसे सार्वजनिक करने वाली कोई ऐसी बात नहीं हुई है। निश्चित तौर पे मैंने तो कहा मीडिया के लोगों से, कई लोग हमसे इस सवाल पूछे हैं, मैंने कहा जो तस्वीर है उस तस्वीर से आपको जो भी अंदाजा लगाना है खुद लगा सकते हैं। दिल्ली के एम्स में उपेंद्र कुशवाहा की एक तस्वीर जहां वो इलाज करा रहे हैं एम्स में, और बीजेपी के 3 नेता जिसमें से एक हमारे साथ हैं प्रेम रंजन पटेल, उस तस्वीर के बाद काफी कुछ बदल गया। उपेंद्र कुशवाहा का बॉडी लैंग्वेज भी बदल गया है और अभी जो एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा है कि जेडीयू के जितने बड़े नेता सब बीजेपी के संपर्क में। आप जिस समय एम्स में थे तो क्या बातें हुई? देखिये, उपेंद्र कुशवाहा जी की तबीयत खराब थी, एम्स में भर्ती थे, इस बात की जानकारी ही तो मानवता के नाते और व्यक्तिगत संबंधों के तहत उनसे मिलने चले गए, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने, हालचाल जानने। और उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं, हमारे एनडीए के पार्ट रहे हैं, 14 के लोकसभा चुनाव में साथ साथ मिलकर के चुनाव लड़े, वो जीते भी, उनकी 3 सीटें थी, तीनों पर विजय प्राप्त हुई थी और वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे, 5 वर्षों तक मोदी जी के साथ सहयोगी के रूप में मंत्री के रूप में काम किए, तब पुराने संबंध है, उन संबंधों के तहत उनसे मिलने गए। लेकिन उस पर जिस प्रकार से मीडिया के अंदर में बवाल मचा, ये कहीं से इसका राजनीतिक कोई जो है से निहितार्थ निकालना यह उचित नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ने आज जब पटना आए हैं तो उनसे पूछा गया, उन्होंने खुद कहा कि भाई हम दिल्ली में थे, एम्स में थे और पोस्टमार्टम मेरी जो है से पटना में हो रही थी, और उन्होंने साफ कहा कि हम पर जो है से सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा के नेता मिले, अरे व्यक्तिगत संबंध होते हैं तो वो मिलते हैं, लेकिन जदयू के बड़े नेता जितने बड़े हैं वो सब संपर्क में है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी ही बता सकते हैं इसको, वो उस पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, एमएलसी हैं, और पार्टी के अंदर का अंदरूनी मामला है, कौन लोग किनके संपर्क में है, कौन लोग किससे मिलते हैं, ये तो बेहतर तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी ही बता सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की तबीयत वैसी खराब नहीं हुई थी कि आप लोग, वो तो रूटीन चेकअप में गए थे, सिर्फ 3 दिनों का सिर्फ वहां रूटीन चेकअप था, तो आखिर क्या जरूरत आन पड़ी आप लोग तीन? देखिए, एम्स में भर्ती होना, रूटीन चेकअप हो या अन्य कोई जो ऐसे कारण हो, लेकिन मुझे जानकारी हुआ कि एम्स में भर्ती है, एम्स में है, प्राइवेट वार्ड में है, तो मैं चला गया देखने, तो इसमें कौन सा कोई हर्ज तो नहीं है। अगर कोई भर्ती हो, बीमार हो, चाहे रूटीन चेकअप पर हो या अन्य भर्ती हो या कोई बीमारी से हो, तो उसमें जाना, उससे संबंधों को निभाना, अब कोई जो ऐसे फंक्शन होता है, शादी विवाह होता है किसी के, उसमें भी जाते हैं लोग, तो ये इसका निहितार्थ निकालना कोई लगता है। लेकिन जेडीयू के नेताओं से ज्यादा चिंता आप लोग को होने लगी उनकी? अरे चिंता तो करेंगे नहीं, सहयोगी है, संबंध है, पुराने संबंध है, और मैंने कहा कि वो हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं एनडीए के पार्ट के रूप में और मोदी जी की सरकार में 5 वर्षों तक मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री के सहयोगी के रूप में काम किया, तो चिंता तो करना, हम लोग सबकी चिंता करते हैं, मानवता हमारे ही पास है सबसे ज्यादा, और उस मानवता के तहत हम जो है व्यक्तिगत संबंधों को भी निभाना जानते हैं, बाकी लोग केवल राजनीति करते हैं, हमारा उद्देश्य केवल राजनीति ही नहीं है, होता है समाज का हित होता है, समाज के अंदर में आपसी सद्भाव, आपसी प्रेम कैसे बना रहे इसका भी ध्यान रखते हैं हम। आप लोग जिस समय मिलने गए थे उस समय क्या कुछ राजनीतिक चर्चा भी हुई एम्स में? अब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि कौन सी बातें हुई, अगर मिले हैं साथ साथ बैठे हैं तो कुछ बातें हुई होगी, लेकिन उसका कोई जो ऐसे सार्वजनिक करने वाली कोई ऐसी बात नहीं हुई है। निश्चित तौर पे मैंने तो कहा मीडिया के लोगों से, कई लोग हमसे इस सवाल पूछे हैं, मैंने कहा जो तस्वीर है उस तस्वीर से आपको जो भी अंदाजा लगाना है खुद लगा सकते हैं। इस राज से पर्दा कब उठेगा? समय आने दीजिए, जब पर्दा उठना होगा तो अपने आप उठ जाता है, किसी को उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वागत कीजिएगा आप लोग। देखिए, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र के नवनिर्माण में हम सब लोग लगे हुए हैं, हमारी पूरी पार्टी, गठबंधन, सहयोगी सारे लोग, और उस राष्ट्र निर्माण के लिए
नरेंद्र मोदी आवश्यक हैं, पूरे देश की इच्छा आकांक्षा के वो प्रतीक बन चुके हैं। राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर पर ले जाना, उन्नति के परम वैभव पर ले जाना, सर्वशक्तिमान बनाना, सर्वगुण संपन्न बनाना, विश्व गुरु बनाना, और उसके लिए मोदी जी के नेतृत्व में वो सारा उस ओर अग्रसर है। उस काम को हम लोग बाखूबी कर रहे हैं और उस काम में जो भी जो ऐसे जो अज्ञ हो रहा है विश्व गुरु बनाने का, उसमें कोई हवन डालना चाहेगा उसका मैं सहर्ष स्वागत करूंगा, उसका स्वागत करूंगा। तो इशारों में इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर उपेंद्र कुशवाहा आते हैं मोदी जी के साथ, अगर वो खड़े रहते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करें। हाँ, लेकिन एक बात इन्होंने और भी कही कि रवि राज है, राज रहने दीजिए, राज पर पर्दा समय आने पर उठेगा। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।